नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज प्रैक्टिस सेट 14 है, इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, हम लोग अरिहंत की बुक से ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 30, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। और 300 बस आप बार बार देख लेंगे ना, रिवाइज कर लेंगे, तो आपका ये सफिशियंट है तैयारी के लिए। ओके, तो ठीक है, चलिए टेस्ट पे चलते हैं। देखिए पहला है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखिए मैडम भिका जी कामा को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था बताइएगा? ठीक है, 1861 में हुआ था, एक पारसी परिवार में, 1861 में हुआ था, एक पारसी परिवार में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, मतलब शासन काल में हुआ था सुदर्शन झील का निर्माण। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पुष्यभूति, ठीक है, बताइएगा वंश। तीसरा देखिए, नरवर्धन ऑप्शन नंबर सी सही है, नरवर्धन के नाम से। ओके, चौथा देखिए, अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? ताम्रपाषाण, देखिए आहार, आहार संस्कृति, आहार संस्कृति ऑप्शन नंबर सी सही है चौथा का। पांचवा बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था? 16 महाजनपद व गणराज्यों में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 16 महाजनपद और गणराज्यों में था। ठीक है, छठवां देखिए, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, बताइएगा किसकी की थी? विकेंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर सी सही है, विकेंद्रीकृत का। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था बताइए? कौन थे? सैयद अहमद खान साहब थे। ठीक है, सैयद अहमद खान। आप सबको ये बताना है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कौन सा सन था जब स्थापित किया गया था, ये बताना है। आठवां बताइएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई, कहाँ पे? तो देखिए ये आप सबको पता है जो ये है, कहाँ पे है ये? मुंबई, ठीक है, मुंबई में। ओके, नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आप सबको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, 22 में खत्म हो गया था चोरी चोरा कांड के बाद से, ठीक है, एक हफ्ते बाद से। अब ये बताइएगा, जो नहीं जो चोरी चोरा वाला कांड, हाँ सही है, चोरी चोरा वाला, कब हुआ था चोरी चोरा कांड ये बताइएगा। 11, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? जल है, ठीक है, जल परिवहन सबसे सस्ता है। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है देखिए नासिक से, आप सबको पता है नासिक से। स्वेज नहर जोड़ती है बताइएगा, स्वेज नहर, देखिए स्वेज जो नहर है आपका, ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये स्वेज नहर समझिए, इधर मिस्र पड़ता है, ठीक है, इधर सभी गल्फ कंट्री पड़ते हैं। ठीक है, तो स्वेज नहर ये देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, और ठीक है इधर है आपका रेड सी, ठीक है, तो ये लाल सागर और रेड सी को जोड़ने का काम करता है। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं? थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ पूछ रहा है, कौन सा है? 14 का देखिए, इसमें शांत एवं स्थिर वायु बस है, केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी दोनों गलत है। मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ऑप्शन नंबर ए सही है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, कौन सी क्रांति में? तो हरित क्रांति थी, ऑप्शन नंबर सी सही है, हरित क्रांति में। 17वां देखिएगा, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत है तो साझेदारों की अधिकतम
सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? 17। देखिए 10 होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत है, साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित संख्या 10 होनी चाहिए। 18वां, विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं? 1000 के। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1000 के पूरी तरह क्या है, बंद हो गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 19वां, देखिए भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा राज्य है? केरल है। 20वां, देखिए इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? 20वां, देखिए गुलाबी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी से गुलाबी क्रांति। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? गुलाबी क्रांति। 21, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? केंद्र को, ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? फ्रांस। ओके। 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। 24वां, देखिएगा लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? देखिए 24 का डी सही, नवंबर 2014। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब हुआ था? नवंबर 2014 में, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 25 का बताइएगा। देखिए नवीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 का डी सही है, नवीं अनुसूची में, ठीक है। चेचक के विषाणु का नाम बताइएगा, वेरिओला वायरस है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। चलिए आगे बताइएगा, जो सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। देखिए रोगी के पानी में डूबने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। समपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? कौन था? ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ओके, आगे बताइएगा। 29वां, कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 29 का बताइएगा, 29 कॉम्पटन शिफ्ट किस पर निर्भर करता है? देखिए प्रकीर्णन के कोड पर। ओके। 30वां, देखिएगा निर्दिष्ट प्रवाहकत्व संवाहकता की इकाई है? 30 का सीमेंस सेमी, ऑप्शन नंबर डी सही, सीमेंस सेमी। ओके। 31वां, दशमलव प्रणाली में द्वि आधारी संख्या, छोड़ दीजिए मैथ का क्वेश्चन नहीं करना है, हिंदी पाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब से विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 36 का आपका डी सही। ओके। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है? नहाकर मतलब नहाने के बाद, ठीक है। 37 का पूछ रहा है, तो बताइएगा। देखिए पूर्णकालिक क्रिया होती है, ठीक है, ये सब क्या है इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूर्णकालिक प्रेरार्थक संयुक्त क्रिया द्विकर्म क्रिया क्या होती है सारा एक वीडियो में मैं बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पिन कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। आगे देखिए, अर्थ हिंदी का पहला पत्र है, आप सबको पता है कौन सा पहला पत्र है? उदंत मार्तंड, पहला सूफी संतों की शैली है? 39। देखिए मसनवी सूफी संतों की शैली कौन सी है? मसनवी, भी सही है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? 40 का बताइएगा। देखिए मैत्रेयी पुष्पा हैं गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार। ओके,
आगे देखिएगा, ये देखिए थोड़ा ब्लर आ गया, लेकिन पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का। 16 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया, इस बजट का आकार कितना है ये बताना है। 51 का करंट का क्वेश्चन है। देखिए 5,45,370.69, ठीक है, करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, लिख लीजिएगा 5,45,370.69, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला 52 का, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जीन बैंक की बात की जा रही है, कौन सी बैंक, जीन बैंक, ओके याद रखिएगा, जीन बैंक। एक मिनट कलर चेंज करते हैं, जीन बैंक की बात कर रहा है, बताइएगा। 52 का देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र है, ओके आगे बताइएगा। 53 का, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम बोस का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से है। सलीम बोस बताइएगा। 53 देखिए ये अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, हाल ही में कौन गगन तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी। गगन 54 का बताइएगा, ठीक है, इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडिगो है। 55, हाल ही में कौन सा जिला अपने हर गांव के पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना। 55 55 का बी सही है, ठीक है, जामवाड़ा झारखंड, ओके। 56 का देखिएगा, हाल ही में निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं यूपीएससी के, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, कौन बने हैं। 56 का देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी ऑप्शन नंबर ए सही है, 56 का डॉक्टर मनोज सोनी, ओके। 57 अप्रैल 2022 में घोषित 64वें ग्रैमी अवार्ड किसे वेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। 57 का बताइएगा, देखिए ओलिविया रेडिग्रो नाम याद रखिएगा। चलिए 58 का बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, कौन हो सकता है। पीवी सिंधु जी हैं, सबको पता है। प्रतिवर्ष 12 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता है, बिहार का है, ठीक है। 60 बताइए, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार प्रदान किया, कौन सी सरकार हो सकती है। देखिए मालदीव की है, ठीक है, मालदीव की है, ओके। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धत प्रचलित है, कौन से हैं। देखिए फ्रोबेल हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रोबेल, ओके। योजना विधि आधारित है, 62 का बताइएगा, देखिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 का बी सही है। 64 बताइए, राग भैरव का गायन समय क्या है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए प्रातः काल है, राग भैरव एकदम प्रातः काल गाया जाता है। सामान्य मुद्रा में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात है, बताना है आपको, सामान्य मुद्रा। 65 का देखिए, 15 संबंध 1, ठीक है, 15 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ओके। चलिए विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं, मृदा कणाकार, ओके। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक क्या है, अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस, इसका नाम बताइएगा, अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। 67 का बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है, 68 का पूछ रहे हैं। देखिए पुलेला गोपीचंद जी हैं, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता, ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। 69 सुखासन, ऑप्शन नंबर डी सही है, सुखासन जो होता है घुटने की शक्ति के लिए अच्छा होता है। 70 प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया, इंपॉर्टेंट है, BBIP क्वेश्चन है, एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये 70 क्वेश्चन पूरे हो गए,
तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।